अब जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो के अंदर बता दिया था कि भाई लॉन्ग रेंज की गन की जगह मैं ओनली एयरड्रम का यूज करने वाला हूँ। हम लोग बात करें एयरड्रम की, तो एयरड्रम मेरी भाई एक टाइम पे फेवरेट गन हुआ करती थी, मगर एयरड्रम पहले के टाइम पे बहुत ही बढ़िया हुआ करती थी, लेकिन अभी के टाइम पे जो हमारी एयरड्रम है उसकी भाई स्विचिंग स्पीड बहुत ही कम रहती है, और ये बात तो हर किसी को पता ही होगा, जिसकी वजह से भाई एयरड्रम हम लोग आसानी से स्विच नहीं कर पाते, और इसी कारण भाई मैं बहुत ही गेम के अंदर एयरड्रम की वजह से मर जा रहा हूँ। वैसे यहाँ पे एयरड्रम की गलती नहीं है, मेरे गेम प्ले की गलती है, क्योंकि भाई मैं कई बार क्या कर रहा हूँ कि शॉर्ट रेंज के अंदर ही एयरड्रम का यूज करने लग जा रहा हूँ। मेरे को भाई लॉन्ग रेंज में चलानी आती नहीं है, शॉर्ट रेंज के अंदर चला रहा हूँ, बताओ। अब ऐसा नहीं है कि एयरड्रम की वजह से मेरा नुकसान नहीं हो रहा, भाई हो रहा है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, कल मेरी केडी थी भाई 5.25 की, उसी से भाई हमारी केडी घट के हो चुकी है 5.21 की, लेकिन केडी से किसको ही फर्क पड़ता है। और मैं एयरड्रम का इतना बेकार यूज करता हूँ कि भाई कुछ गेम भुया हो भी सकते होते हैं, लेकिन मैं उनको मतलब मिस कर देता हूँ। Hey, what's up guys, क्या हाल चाल, आई होप सो लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे। एंड गाइज, आप लोगों का स्वागत है हमारी एक्साइटिंग सीरीज के अंदर, जिस सीरीज के अंदर हम लोग कर रहे हैं भाई सोलो रैंक बूस्ट, एंड उसी के साथ भाई हम लोग कर रहे हैं कुछ चैलेंजेस को कम्प्लीट। हम लोगों ने चैलेंज दिया हुआ है कि हमको रीजन के अंदर जाना है, वो भी एयरड्रम के अंदर। अभी इस चैलेंज को मैंने शुरू में जितना इजी समझा था, ये चैलेंज उतना ही मुश्किल है, क्योंकि गेम के अंदर हमको एयरड्रम को लेने के लिए भाई बहुत सारे पापड़ बेलने पड़ते हैं पहले तो, और जब तक भाई मेरे को एयरड्रम मिलती है तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी होती है, या फिर वैसे एयरड्रम को यूज करना भी इतना आसान नहीं है और मैं कुछ गलतियां कर देता हूँ। खैर ये सब छोड़ो भाई, अगर आप लोग चाहते हो कि भाई मैं एयरड्रम के अंदर पुश करता रहूं, तो भाई प्लीज कमेंट सेशन के अंदर सभी के सभी लोग यार एयरड्रम जरूर से लिख देना, और हाँ वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। हम चलते हैं फटाफट से गेम प्ले की तरफ। अब गाइस ये वाला मैच जो है हमारे कल रात का है, जो कि मैंने लगभग 2-3 बजे खेल रहा था, वहां पर क्या हुआ कि भाई मेरे गेम के अंदर मेरा फ्रेंड आ गया। अब इतने टाइम पे अगर आप लोग खेलोगे ना रात को, तो भाई ज्यादातर यही होता है कि हमारे जो फ्रेंड वगैरह रहते हैं वो हमारे गेम के अंदर ही आ जाते हैं, क्योंकि भाई उस टाइम प्लेयर बहुत ही कम रहते हैं ऑनलाइन। और ये मेरा फर्स्ट गेम नहीं है, इससे पहले भी मेरा गेम प्ले था जो कि बहुत ही बढ़िया था, उसके अंदर भाई मतलब कि मैंने एयरड्रम का यूज करा था, लेकिन भाई वो गेम प्ले करप्ट हो गया, तो उसका यूज नहीं कर सकता, पता नहीं वो मतलब ओपन ही नहीं हो रही है फाइल। तो इसी वाले गेम प्ले का हम लोग यूज कर लेते हैं फर्स्ट गेम प्ले के अंदर। इस मैच के अंदर हम लोगों ने पूरे 5 किल कर लिए, एंड मैं अपने दोस्त को ही ढूंढ रहा हूँ। यहाँ पे मैं अभी ड्रॉप तो लूट रहा हूँ, और मेरे को भाई देखो ऊपर से कोई बंदा स्पॉट कर रहा है मतलब ड्रोन से। वैसे देखते हैं, ओके बंदा आ चुका है सामने, वो हमारा फ्रेंड है जो हमारे सामने है, मैंने इसके ड्रेस देख रखे हैं, इसको ना मतलब कि बिल्कुल हम लोग अच्छे मौके पे मारेंगे। अभी यहाँ पर हम इसमें फायर नहीं करने वाले, मतलब भाई दोस्तों को मारने का मजा अलग ही रहता है, एंड इस बंदे ने भाई मेरे को कई बार मारा है, तो इससे मेरे को रिवेंज भी लेना है। तो अभी देखते हैं वो बंदा अंदर गया, किसी से तो फाइट होगी उसकी, मतलब हमारे अलावा आखिरी बंदा और बचा है, तो सैसे ही उसी से लड़ने जा रहा है जो कि मतलब ऊपर ही है बंदा, और ये जब लड़ने जाएगा ना तो हम लोग पीछे से थर्ड पार्टी कर देंगे। अब जो हमारा फ्रेंड बचा है, सैसे उसके ऊपर किसी बंदे से फाइट होगी, तो हम लोग अपने फ्रेंड को मारने की कोशिश करेंगे। ओके यहाँ पर खाली हमारे फ्रेंड ही बचे, एंड हमने उनको भी मार दिया बहुत ही आसानी से, वो पहले से डैमेज थे, एंड हमने यहाँ पर उनको डैमेज देके मतलब मार दिया, और इसके साथ हमारी 27 बढ़ चुकी है, और 2 भुजा की स्ट्रीक भी लग चुकी है। अब जो ये हमारे दोस्त हमारे गेम के अंदर आए थे भाई, इनका जो गेम प्ले बहुत ही बढ़िया है, और मैं पहली बार इनको हरा पाया था, और तभी इसलिए मैं थोड़ा संभल के खेल रहा था, क्योंकि भाई मैं इनसे बदला लेना चाहता था, और फाइनली मैंने इनसे बदला ले भी लिया, तो इनको थोड़ा बहुत चिढ़ाते हैं, और उसके साथ चलते हैं फिर से अपने अगले गेम की तरफ। भाई मैं चिढ़ा तो बिल्कुल मजे से रहा था, और भाई यहाँ पे जिंदगी बिल्कुल बढ़िया भी चल रही थी, लेकिन गैस वोट क्या हुआ भाई, मेरी किस्मत हमेशा ऐसी क्यों रहती है, फिर से मेरा फ्रेंड मेरे गेम के अंदर आ गया। अब फिर से भाई मेरे को थोड़ा संभल के खेलना पड़ेगा, क्योंकि भाई हमें फिर से इनसे बदला लेना है, और अगर हम लोग इनसे हार गए ना तो भाई कसम से मेरी बहुत गंदे वाली बेइज्जती होने वाली है। अब मैं उतरा था अपने रिसप्लाई मैप के ऊपर, और यहाँ पर देखो हमारे फ्रेंड जो है वो तो भाई किल पे किल खेल रहे हैं, और यहाँ पर भाई मेरे को अभी तक भाई ढंग से बंदा भी नहीं मिला है, क्योंकि भाई रिसप्लाई ऐसी जगह पे ही आया था जहाँ पर कोई बंदा उतरा ही नहीं है। अब भाई फाइनली यहाँ पर हमको एक बंदा तो मिल गया भाई ढूंढते ढूंढते, जो कि हमारे सामने। ओके भाई हेडशॉट भी मारा, लेकिन बॉडी शॉट से हमारा किल आ चुका है, और यहाँ पे हमारा जो किल का खाता है वो तो खुल चुका है। अभी तक भाई मेरा फ्रेंड मेरे को नहीं मिला, एंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हो लास्ट जोन भी आ चुका है, और यहीं पे भाई मेरे पास M60 है, यहाँ पे मेरे को भाई एयरड्रम नहीं मिली, और साथ में भाई ट्रोगन है जिसकी एमो बहुत ही कम है, तो हम एक काम करते हैं पीछे की साइड को चलेंगे, अभी के टाइम पे नीचे की साइड हमें शॉटगन की एमो भी चाहिए, तो हम लोग फटाफट से एक काम करते हैं नीचे चलते हैं, एंड देखते हैं भाई क्या होता है, टनल की साइड चलते हैं, और भाई अगर एमो मिल जाए तो मजा ही आ जाएगा। वैसे अगर हम लोग गन भी स्विच कर सकते हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अगर MP40 वगैरह मिल जाते तो वो उठा लेंगे। ओके भाई यहाँ पर तो MP40 पड़ी हुई है, चलो ओके एक बंदा पोर्टल यूज करके आया, चलो बैठ के मारते हैं इसको, एंड इसके साथ यहाँ पे हमने इसको नॉकडाउन तो कर दिया, फटाफट से क्लियर करते हैं, क्लियर भी कर दिया। अबे भाई ये मुझे भाई कैसे मारा, भाई सेकेंडों के अंदर मेरे फ्रेंड ने मेरे को मार दिया है, इसको लाइक करते हैं भाई। यार इस बंदे ने यार मेरे को भाई पता नहीं कैसे तो मार दिया, समझ नहीं आया भाई हैकर है ऐसे ये मजाक कर रहा हूँ, मुझे लगा सिर्फ मैं ही अपने दोस्त को मारने की सोच रहा हूँ, लेकिन भाई ये बंदा तो मेरे 2 कदम आगे निकला, भाई आगे एक बंदा है, एंड इसको माइन का डैमेज भी पड़ा है, लेकिन भाई साहब इस बंदे ने सीधा उसके पीछे कूद गया और डैमेज दिया है, चलो देखते हैं मार पाता है या फिर नहीं मार पाता है।
भाई साहब बंदे के पीछे पीछे भाग के ऊपर आ गया एंड उसका सोनिया बना दिया है। चलो भाई वो नॉकडाउन यूएस ने इसको क्लियर कर दिया और यहीं पे इसका भाई मतलब कि 8 किल हो चुके हैं। और भाई मैं इसकी वजह से सर्वाइव कर रहा था और ये बंदा भाई मतलब किल पे किल पेल चुका है अभी के टाइम पे, भाई 8 किल कर चुका है लिटरली। और इसके साथ यहाँ पे जो आखिरी बंदा था उसको भी हमारे दोस्त ने मार दिया और उसके साथ यहाँ पे हमारे फ्रेंड का जो है बुइया हो चुका है, यानी कि हमारा भी बुइया हो चुका है लेकिन यार हमारी ज्यादा प्लस नहीं हुई है। ऐसे भाई वो हमारा टीममेट था तो भाई ज्यादा प्लस देनी चाहिए थी, फ्री फायर वालों को मजाक कर रहा हूँ। एंड इसे हमने बैक कर दिया और चलते हैं फटाफट से अगले गेम की तरफ। फाइनली एड मिल चुकी है एंड यहाँ पर हमारा जो दोस्त है वो भी नहीं आया, तो यहाँ पर हमारे जो किल तो पहले से हो रखे है और सामने एक और बंदा जो कि हमको यूएवी में दिख रहा है, तो इसको मारने की कोशिश करते हैं। एंड भाई बंदा है किधर? ओके बंदा पेड़ के पीछे कवर लेने की कोशिश कर रहा है, 180 का डैमेज दिया है। ओके भाई यहीं पे ये बंदा नॉकडाउन हो जाएगा। भाई दिमित्री क्यों यूज कर रहे हो भाई, अब तो अपडेट के बाद से मत करो इसका यूज। भाई पता नहीं आजकल सभी लोग यार मतलब सोनिया वगैरह यूज कर रहे हैं लेकिन भाई सोनिया का कोई फायदा भी नहीं है, तब भी यार मतलब बंदे यूज कर रहे हैं। वैसे कोई बात नहीं, हम लोग चलते हैं फटाफट से जोन के अंदर और चलते हैं भाई बंदों की तरफ। यार पता नहीं कहां तो बंदे सारे छुपे हुए हैं, देखो यूएवी के अंदर भाई कोई भी बंदा नहीं है। ये सामने वाले घर के अंदर एक बंदा है जिसको मैं मारने की कोशिश कर रहा हूं लेकिन बंदा सामने नहीं आ रहा है, बड़ा तेज बंदा है। एंड अगर एक बार ये बंदा ओके मेरे घर के नीचे ही बंदा आ गया एक, अगर वो बंदा मेरे सामने आ जाता ना भाई इसको हेडशॉट बना के मार देता, वो भी तुक्के का, मतलब तुक्के का क्या, हाँ बना के मारता। वैसे भाई एक बंदा भी आ रहा, ओके ये भी मैंने डैमेज दिया एकदम से लेकिन भाई मैंने क्लियर कर दिया इसको ट्रोगन से। वैसे एडलम से भी क्लियर कर सकता था लेकिन आपको पता है फिर मेरा भाई क्या हर्ष होता, मतलब ये बंदा मेरे को कुत्तों की तरह दौड़ा दौड़ा के मारता। ओके सामने वाला बंदा तेज बन रहा है, ग्रेनेड फेंक रहा है, तो इस बंदे के लिए हम पहले एक तो ग्लूवल से यहाँ पे मतलब रास्ता बंद कर देते हैं और इस बंदे पे भी हम लोग फटाफट से रश करते हैं लूटने के बाद। यहीं पे भाई मेरी लूट तो इतनी बढ़िया हो गई है ना भाई क्या ही बताऊं, कितनी मजा सा आ गया भाई, मतलब इतनी बढ़िया लूट हो चुकी है और बंदे को ऊपर डैमेज भी आ चुका है, तो फटाफट से इस बंदे पे भी रश करते हैं। एक और ग्रेनेड फेंक देता हूँ पहले ताकि उस बंदे को लगे कि मैं ग्रेनेड ही फेंक रहा हूँ, लेकिन हम लोग फटाफट से रश कर देते हैं। ओके हम लोगों ने रश तो कर दिया, बंदा कहाँ पे है? अबे भाई यहीं पे बैठा हुआ था एंड मैंने इसको भाई ट्रोगन से डैमेज दिया है और सोनिया भी बना दिया। अब यहीं पे हम लोग फटाफट से नीचे चलते हैं। ओके यहाँ पर हमने इस बंदे को भी मार दिया और यहाँ पे हो चुके हैं हमारे पूरे 5 किल। और अभी के टाइम पे आप लोग देख सकते हो कि सामने भाई मतलब बंदे फाइट कर रहे थे और मेरे को ना पता एडलम की भी आवाज़ आ रही है, यानी कि मेरे अलावा कोई और भी स्नाइपर यूज़ कर रहा है वो भी साइलेंसर के साथ, जिसकी मेरे को लोकेशन नहीं पता चल रही है, यानी कि मेरे को खुले में थोड़ा संभल के रहना पड़ेगा। क्या पता भाई कोई हेड बना के ही मार दे, क्या पता मैं किसी पे एम कर रहा हूँ और वो मेरे पे एम करके हेड बना के मार दे। अब गाइस देखो यहाँ पे हमारे अलावा 2 बंदे ही और बचे और लास्ट जोन भी आ चुका है। एक बंदे की तो ग्लूवल मतलब सामने वाले घर के अंदर लगी हुई है सीमेंटेड हाउस के अंदर, लेकिन भाई बंदा कोई दिख ही नहीं रहा है, पता नहीं कहाँ तो चले गए हैं। एक बंदा तो इस वाले घर के सामने ही, ओके ऊपर है वो बंदा, तो इसको तो हमने एक गोली के अंदर ही मार दिया, पहले से डैमेज था पता नहीं कहाँ से तो आया है। और आखिरी बंदा पता नहीं शायद से इस सीमेंटेड हाउस के अंदर, ओके एक बंदा हमारे पीछे ही था। अबे भाई ये स्नाइपर यूज़ कर रहा है, थोड़ा हमें पीछे को रहना पड़ेगा, जो कि सामने वाला बंदा भाई स्नाइपर यूज़ कर रहा, तो हम भी उसको स्नाइपर से ही मारेंगे। ओके सामने आया, डैमेज दिया भी है, अब देखते हैं भाई बंदा भी स्नाइपर यूज़ कर रहा है जो कि अच्छी बात है। और यही भी हमने इस बंदे को मार दिया है भाई, मतलब बहुत ही अच्छा बंदा था क्योंकि भाई ये बंदा कभी मतलब शॉर्ट रेंज की गन यूज़ नहीं करी इसने, ये मतलब ये स्नाइपर का चैलेंज ही कर रहा था हमारे साथ। तो यही पे हमारा मतलब बुइया हो चुका है 7 किल के साथ एंड बैक करते हैं फटाफट से चलते हैं अगले गेम। मेरे को भाई कभी कभार तो समझ नहीं आता कि मेरा रिसप्लाई मैप इतनी गंदी गंदी जगहों पे क्यों चले जाता है, लेकिन भाई सामने बंदे को गन मिल चुकी है एंड यहाँ पे भाई एक्समेट पड़ी हुई है। और भाई ये बंदा हमको मार सकता था लेकिन इसी के साथ हमने इसको मार दिया और यहाँ पे हमारा 1 किल हो चुका है और एक और बंदा उतरा है, भाई बंदा रस कर रहा है, और इसके साथ हमने इसको हेडशॉट मार दिया। यहाँ पे हमारे 2 किल हो चुके हैं वो भी पता नहीं कैसे करके, भाई लिटरली मैं तो यार यहाँ पे मर जाता, मेरे को गन नहीं मिलती तो अगर एक्समेट यहाँ पे पड़ी नहीं होती मैं तो भाई रैंडमली ऐसे उतर गया था कहीं भी। वैसे 2 किल हो चुके हैं तो आगे भी चलते हैं और देखते हैं हमें और बंदे मिलते हैं या फिर नहीं। मैंने एडम ढूंढी, एडम तो छोड़ो भाई मेरे को शॉर्ट रेंज गन भी नहीं मिली और यहाँ पर एक बंदा है। ओके मैंने आयरिस का यूज़ करा है एंड भाई यूजीआई से ही मारने की कोशिश करते हैं। एक बंदा तो भाई ओरियन बन चुका है, वैसे मैंने एक बंदे को डैमेज दिया और भाई एक बंदा तो हमने किल कर दिया और दूसरा बंदा भाई यार वो खुद ही एलिमिनेट हो गया, उसका मतलब कि सोनिया एक्टिवेट हो रखा था। तो हम लोग चलते हैं फटाफट से अगले बंदों की तरफ। यार ये बंदे पता नहीं यार सोनिया क्यों यूज कर रहे हैं अभी के टाइम पे, भाई सोनिया मतलब बचाता नहीं है अभी के टाइम पे। यहाँ पर देखो भाई हमें एडलम की छोटी बहन एमेटो भी मिल चुकी है और यहाँ पर एक बंदा भी है, मैंने ग्लूवल तो लगा लिया एंड बंदे को मारने कोशिश करते हैं डैमेज एंड इसी के साथ हमने इसको मार दिया। और यहीं पे भाई हमारा चार्ज वाला ड्रॉप आ रखा है तो हम लोग फटाफट से इसको लूट दें और देखते हैं भाई हमको एडलम मिल भी पाती है या फिर नहीं। अभी इधर बंदे भी आने शुरू हो गए हैं और देखते हैं भाई हमें एडलम मिल पाती है या फिर नहीं। अभी के टाइम पे तो नहीं मिली है, अभी देखते हैं चार्ज हो रहा है।
ओके फुल चार्ज हो गया, देखते हैं। अबे यार ग्रोजा ग्रोजा भाई, ग्रोजा ही दे के मानोगे क्या यार? यहाँ पे भाई हमको एडलम नहीं मिले, हम लोग नीचे चलते हैं। अबे भाई नीचे ही बंदे, तो एक काम करते हैं नीचे वाले बंदों को मारते हैं। अबे यार ये बंदा पीछे वाला भी छोड़ नहीं रहा भाई। नहीं, अरे नहीं भाई लिटरली बाल बाल बचाऊं इस बंदे ने तो मेरी ऐसी की तैसी कर दी थी। और भाई अभी देखो मैं इसको आयरिस से मारूंगा, वैसे आयरिस से नहीं मारने वाला मैं, क्योंकि भाई यहाँ पे मेरे को पता नहीं है बंदा कहाँ पे है। भाई किलोमीटर फेंक रहा है बंदा, एक और ग्लूवर लगाते हैं एंड देखते हैं भाई बंदा है तो है किधर। भाई दिख भी तो नहीं रहा, पता नहीं कहाँ तो भाग गया। अब हम लोग भाई काम करते हैं, ऊपर तो नहीं जा सकता, क्या पता बंदा ऊपर ही चला गया हो या फिर पहले से कोई ऊपर हो। भाई पता नहीं इधर कितने बंदे हैं। ओके एक बंदा तो सामने है एंड भाई एक बंदा हमारे बिल्कुल पास में आ चुका है। अबे यार भाई मैंने फाइनली उसे बाइसन से मार दिया एंड हम लोग ऊपर चलते हैं। ऊपर साइड से कोई बंदा नहीं है, एक बार चेक करते हैं कोई ऊपर है या फिर नहीं है। और भाई सामने वाले घर के अंदर भी एक बंदा है और एक पीछे भी बंदा है, तो ऊपर तो कोई नहीं, एक बंदा नीचे से ही आ गया। साइड से सामने वाले घर वाला बंदा ये, और इसने हम पे रस कर दिया। अबे यार इसने अपने को ही कवर कर लिया, तो जो कि अच्छी बात है। अबे यार ये यहाँ से आ भी नहीं रहा। हम लोग फटाफट से नीचे जाके देखते हैं कि भाई बंदा है तो है किधर। वैसे दिख भी नहीं रहा, पता नहीं कहाँ तो चला गया है। और मेरे को आवाज़ आ रही है वैसे वो नीचे, ये पता नहीं क्या कर रहा है यहीं पे। ओके ये रहा, इस पर रस करते हैं। अबे यार गलत कूद गया। ओके M2 भी मारने को इस करी। ओके पड़ी है अब क्या। अबे भाई फिर से डैमेज दिया है एंड अब एक गोली का बंदा बचा होगा। भाई बंदा होपलेस हो गया कि भाई करूँ क्या, खुले में ही खड़ा हो गया। फटाफट से लूटते हैं और चलते हैं भाई अगले बंदों की तरफ। यहाँ पे भाई M2 भी मिली, अभी तक एडलम नहीं मिली है। भाई लोग आप लोग देख सकते हो यहाँ पर भाई हमको एडलम मिल चुकी है और ड्रॉप में देखते हैं क्या पता एडलम Y मिल जाए। और फटाफट से देखते हैं और कोई एनिमी ना जाए। ओके दो बंदे ऊपर फाइट कर रहे हैं, इनके पास चलते हैं। वैसे भाई मेरे को यहाँ पे डर लग रहा है, क्या पता चारों तरफ बंदे। अबे यार मेरे से क्यों फाइट कर रहा है जब बंदा तेरे से कोई और फाइट कर रहा है। चलो इसी बंदे को ठोकते हैं पहले गाड़ी से, कोशिश करेंगे इसको ठोकने की। ओके बंदा हट नहीं रहा। अबे भाई सर के ऊपर से गाड़ी निकाल दी, लेकिन यहीं पे हमने इस बंदे को मार दिया। और सामने एक और बंदा आ चुका है भाई, मतलब मैंने कैसा स्टंट मारा था गाड़ी से। हम लोग गाड़ी का यूज करके मतलब जोन के अंदर चलते हैं। इस बंदे को ठोकने की कोशिश करता है पहले। भाई साहब ये बंदा ही बाल बाल बच गया, अभी वो बंदा तो बचा ही था। अबे यार इसकी हेल्थ कम थी और इसको हमने एक गोली से मार दिया, वो भी एडलम की। चलते हैं फटाफट से जोन के अंदर और देखते हैं भाई और बंदे होंगे तो उनको भी ठोकने की कोशिश करते हैं। भाई कितने मतलब फनी मूवमेंट बन गए हैं, दोनों बंदों को ठोकने की कोशिश करी और एक भी बंदे पे मतलब कनेक्ट नहीं हुई गाड़ी। यहाँ पर और भी बंदे हैं साइड से सामने की साइड। ओके भाई इधर लूट बॉक्स पड़ी हुई है, तो शायद इधर बंदा है भाई, आवाज आ रही है किसी की। ओके एक बंदा पीछे की साइड से आया है, इसको एडलम से मारने की कोशिश करते हैं। वैसे बाइजन को रिलोड कर लेता हूं, क्या पता भाई बाइजन की जरूरत पड़ जाए। ट्रोगन यूज कर रहा है वो बंदा, तो थोड़ा संभल के रहना पड़ेगा। मैं बाइजन से ही अटैक करता हूं इस पे। ओके यहाँ पे डैमेज तो दिया है, वैसे कोई फायदा नहीं हो पाया। ओके भाई मैंने एडलम भी मार दिया, लेकिन भाई बंदा कवर कर लिया उसने, हमने आयरिस यूज करा है यार। गोली नहीं पड़ी, फिर नहीं पड़ी भाई। अबे यार मैं बहुत गलत, चलो बंदा इधर से आ रहा। ओके इसी के साथ हमने इसे सोने बना दिया एंड यहाँ पे हमने इसे किलर भी कर दिया एकदम से ही। अब भाई चलते हैं फटाफट से जोन के अंदर और भाई अभी हमारे अलावा तीन बंदे और बचे हैं। यहीं पे अब सिर्फ आखिरी का एक ही एनिमी बचा है और जो कि हमारे सामने ही है। और भाई मतलब मेरे पास आयरिस भी चार्ज है, पहले ग्लू मैटर फेंकते हैं ताकि ये बंदा थोड़ा कवर के बीच में आए, मतलब कवर के बीच में नहीं कवर छोड़ के आए और बीच में आए। ओके डैमेज दिया है एंड बंदा मतलब कि थोड़ा दूर आ चुका है, तो आयरिस का यूज़ करते हैं। भाई इस बंदा बड़ा तेज है, पेड़ के पीछे चला गया, लेकिन वापस से पीछे एक साइड को चला गया। अगर ये पेड़ के पीछे रहता तो बच जाता। अबे यार कहाँ पे है। ओके इसके साथ हमने इसको फिर से डैमेज दिया और यहाँ पे हमने इसको मार दिया। फाइनली यहाँ पे हो चुका है हमारा बुईया। और इसके साथ हम लोग बैक करते हैं और देखते हैं इस मैच के अंदर हमारी कितनी बड़ी है। भाई साहब इस मैच के अंदर हमारी पूरी 54 बढ़ी है, क्योंकि भाई ये हमारे दिन का पहला मैच था, यानी कि पूरी रात भर खेलते हुए मेरे को सुबह हो चुकी है। भाई लोग इतनी ज्यादा मेहनत के लिए तो यार लाइक बनता है यार, ये आसान काम नहीं है रैंक पुश करना। भाई पूरी रात भर हम लोग यार मतलब अपनी हेल्थ को भाई बिल्कुल खतरे में डालकर यार आप लोगों के लिए रैंक पुश करते हैं, इतनी बढ़िया बढ़िया कंटेंट लाते हैं। तो भाई आप लोग भी इतना कर सकते हो, अगर आपको वीडियो थोड़ी बहुत पसंद आई हो तो प्लीज यार वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना यार, ये चीज तो बिल्कुल फ्री है एंड भाई प्लीज कर ही लेना। वहीं पे बात करें हमारे
आज के स्कोर के बारे में कि हमारा गेम के अंदर स्कोर कितना हो चुका है। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि अभी के टाइम पे गाइस आप लोगों ने नोटिस करा होगा कि मैं वीडियो बहुत तगड़ी वाली एडिट कर रहा हूं, तो इसके लिए भाई मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है एंड इसी वजह से भाई मैं गेम बहुत ही कम खेल पा रहा हूं। और भाई मतलब स्कोर फिर क्या ही बढ़ेगा जब कम खेल रहा हूं। मुझे पूरी उम्मीद है भाई आप लोग मेरी बातों को समझ सकते हो एंड लव यू गाइस। दैट्स इट गाइस आज की वीडियो के अंदर बस इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।